कोरोना महामारी के हर वर्ग परेशान है। पूरी दुनिया को एक पल के लिए रोक देने वाली इस महामारी ने कई व्यापारियों को प्रभावित किया है। भारत में लॉकडाउन खुलने के बाद लोगों का जीवन धीरे धीरे पटरी पर आ रहा है, लेकिन दोबारा सारी चीजें शुरू करने में कई तरह की परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहे पर हबीब सैलून की दुकान जहां गुलजार हुआ करती थी, वहीं आज लॉकडाउन के बाद दृश्य बदला सा नजर आ रहा है। जबकि सैलून मालिक सुधीर कई तरह से कस्टमर की सुरक्षा के लिए सैनिटाइजर और सारे उपकरण को हर कस्टमर के इस्तेमाल के बाद सैनिटाइज करने की प्रक्रिया को अच्छे से पालन कर रहे हैं, फिर भी पहले जैसी चीजें नहीं दिख रही हैं। इन्हीं सारे मुद्दों पर हमारे स्वतंत्र प्रभात चैनल के संवाददाता ने हबीब सैलून के मालिक का दर्द जानने की कोशिश की। नमस्कार, मैं गौरव बाजपेयी। जैसा कि लॉकडाउन के चलते बहुत सारा प्रभाव पड़ा है उन लोगों पर जो रोजमर्रा के कार्य करते हैं, और उन पर क्या दैनिक मजदूरी जैसे कार्य रहते हैं और दिनचर्या उनकी ये रहती, और उसी परिपेक्ष में हम लोग एक शॉप है इंजीनियरिंग कॉलेज पे, जहाँ पर क्या मानकों के क्या निर्देशानुसार जिलाधिकारी के कार्य चल रहा है उसके विषय में जानकारी लेते हैं। यहाँ पर सुधीर शर्मा जी के साथ मौजूद हैं और उनसे जानते हैं जो ये शॉप चल रही है कब से चल रही है और उसके विषय में। नमस्कार सर, ये जो आपकी शॉप है सर कब से हम मतलब चला रहे हैं और थोड़ा सा उसके विषय में बताएं। पिछले 3.5 साल से चला रहे हैं जी। इससे लॉकडाउन से पहले का जो बिजनेस था और अभी का जो बिजनेस है मतलब 15-20% बचा है, नहीं तो पूरा बिजनेस एकदम चौपट है, खराब है। यानी कि इसने जो कोरोना है, कोरोना काल में काफ़ी प्रभाव डाला है। इस कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन वगैरह चला, लोग निकलने में जो कतराते हैं, उसकी वजह से काफ़ी प्रभाव पड़ा है। ऐसा कहना है फीमेल्स वैसे अभी सैलून में जो आती थी 100% लेकिन अभी सिर्फ 15% जा रही है, और जो मेल्स आ रहे हैं हेयर कट से भी हो रही है, और फेशियल अभी अलाउ नहीं है, फेशियल हो भी सकता है। और हमारे सैलून में एंट्री पे ही आपको वगैरह सैनिटाइजर, फिर आप नाम, मोबाइल नंबर, फिर आप एंट्री करते हो तो आपको फिर से सैनिटाइज करना है, और फिर यहाँ पर नाम मोबाइल नंबर हम लोग लिखते हैं, जो हमारे यहाँ रहते हैं फ्रंट पर वो लिखते हैं, फिर एंट्री कराते हैं, फिर यूज एंड थ्रो का सब कटिंग शीट, टॉवल, ग्लव्स, यहाँ तक कि मास्क को भी क्लाइंट को प्रोवाइड करा रहे हैं कि अगर नहीं है, आप नहीं लाए हो तो आप यहाँ से मिल रहा है और मिलता रहेगा। तो मतलब यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उन मानकों के अनुसार ही यहाँ पर कार्य किया जा रहा है। तो मैं वीडियो जर्नलिस्ट राजधानी लखनऊ के सुधीर शर्मा जी का एक ऐसा हबीब सैलून जहां पर सरकार के दिए हुए सभी मानकों और सभी दिशा निर्देशों का पालन जोर शोर से हो रहा है। मैं वीडियो जर्नलिस्ट प्रियंका सर के साथ गौरव बाजपेयी स्वतंत्र प्रभार। आकाश खबरों के लिए बेल आइकन दबाएं और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए समाचार को सब्सक्राइब करें।